إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قابل احترام حاضرين جمع معزز خواتین ملت سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لئے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی یہودہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام ہمیں اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے اور جن پر درود و سلام دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانتیں اپنے اندر رکھتا ہے صلوات ربی و سلامه علیہ معزز حاضرین انسان کو دنیوی زندگی میں جن چیزوں کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے اس میں سے ایک اللہ کی طرف سے نازل کردہ برکتیں انسان اس کا بڑا محتاج ہوتا ہے برکت کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہو وہ آپ کے پاس باقی رہے ثابت رہے یا پھر اللہ تعالیٰ اس میں مزید زیادتی عطا فرمائے مزید بڑھوتری عطا فرمائے یہ دونوں معنی برکت کے ہوتے ہیں عربی لفظ برکت
कुछ इसी किस्म का माना अपने अंदर रखता है कि जब ऊंट कहीं बैठ जाए तो कहते हैं कि बराकल बईर। तो वैसे खैर वहां पे रुक जाए, जम जाए, साबित हो जाए, खैर बाकी रह जाए तो ये बरकतें कहलाता है। इसी से बिरका, तालाब जहां पानी आकर रुक जाता है, ठहर जाता है। तो जिसको अल्लाह ने जो दिया हो उससे राजी होकर के उसमें बरकत का अल्लाह ताला से सवाल करे, बरकत का मुतालबा करे, तो यकीनन वो चीज इंसान के लिए बड़ी काफी होती है, खैर और बरकत का बायस बनती है। अगरचे कि वो ज्यादा ना हो, ना बढ़े, उसमें कसरत ना हो, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन आम तौर पर हम यही समझते हैं कि बरकत उस वक्त कहा जाता है जब माल बढ़ता जाए, तिजारतें बढ़ती जाएं, गिनतियां बढ़ती जाएं, औलाद बढ़ती जाए, जायदादें ज्यादा हो जाएं। आम तौर पर हम इसी को बरकत शुमार करते हैं, जबकि बरकत का लाजमी माना नहीं है। जो अल्लाह ने दिया हो बंदा उसको बाकी रख ले, उस पर राजी रहे, उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार ले, कनात पसंदी की जिंदगी हो, शुक्रगुजारी की जिंदगी हो, याद रखे ये अल्लाह की बरकतों की एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है, बरकत भरी जिंदगी है। और मौसा साधरीन, आम तौर पर हमें अपनी जिंदगियों में बेबरकतियां नजर आती हैं, परेशान हाल नजर आते हैं, चाहे बीवी का मसला हो, औलाद का मसला हो, उम्र की बात हो, इल्म की बात हो, तिजारतों की बात हो, खाने पीने का मसला हो, सवारियों की बात हो, पहनने ओढ़ने के मसाइल हो, आम तौर पर हमें बेबरकती नजर आती है, बेबरकती हम देखते हैं, शिकायतें हमारी जबान पर होती हैं, शुक्रगुजारी हमारी जबान पर बड़ी कम नजर आती है। ऐसा क्यों है कि जिस बीवी को अल्लाह ने सुकून का जरिया बनाए वो एक आफत बन जाए, मुसीबत बन जाए, जिस औलाद को अल्लाह ताला जेब व जीनत का, दुनियावी आसाइश का जरिया बनाए वो उल्टा मुसीबत बन जाए, जिस माल को अल्लाह ताला खैर का, नेकियों का जरिया बनाए वो हमारे लिए आफत बन जाए, बर्बादियों का सबब बन जाए। पैसा बहुत कुछ है लेकिन खैर के काम नहीं होते, इरादे बहुत नेक हैं लेकिन कोई अमल नहीं होता, सोच बड़ी बड़ी है अमल में कुछ नहीं है, ऐसा क्यों होता है जिंदगियों में? मौजूद साथियों, इसके मुख्तलिफ असबाब हैं, इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं कि जिसकी वजह से ये लंबी लंबी उम्रें हमारे लिए काफी नहीं होती, ये मालो मता हमारे लिए काफी नहीं होता, ये आल औलाद हमारे लिए सुकून का बायस नहीं बनते हैं, ये तिजारतें हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करती हैं, ये हलाल हमें हराम से रोकता नहीं है। अगर वजह तलाश करेंगे तो कई वजूहात है कि जिसकी वजह से इंसान की जिंदगी बेबरकती का शिकार हो जाती है। उनमें से कुछ का तज़किरा मैंने अपने किसी खुतबे में किया था। एक ये था कि अल्लाह की कोई भी नाफरमानी, अल्लाह को नाराज करने वाले काम, याद रखें जिंदगियों से बरकतों के उठ जाने का सबब बनते हैं। तो बंदा कोशिश ये करे कि अल्लाह के हराम करदा कामों से अपने आप को बचाए रखे। और दूसरा सबब मैंने जिक्र किया था, माल की मोहब्बत, माल की हिर्स, माल की लालच अपने दिल में पाले रखना। माल हक तरीके से हो, जायज तरीके से हो, नाजायज तरीके से हो, ना हक हो, बस माल जमा करने के पीछे लग जाना, अपना माल हो के दूसरों का माल कोई परवाह ना करना, हलाल तरीके से आए कि हराम तरीके से आए इसकी फिक्र ना करना।
और अपने दिल में माल की मोहब्बत बिठा लेना, ये एक बड़ा सबब है जिसकी वजह से अल्लाह ताला जिंदगी से बरकत को खत्म कर देता है। अगरचे दुनिया के कारून के खजाने भी उसकी जिंदगी में आ जाएं, कभी उसे चैन और सुकून नसीब नहीं होता, इत्मीनान की नींद उसे नसीब नहीं होगी, उसकी जिंदगी बेबरकती होती है। और इन असबाब में से तीसरा सबब कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला बरकतें उठा लेते हैं, बरकतें खत्म हो जाती है, अपनी जिंदगी को सदका और खैरात से खाली रखना, सदका और खैरात ना करना, बखीली करना, माल जमा करके रखना, ये एक बड़ा सबब है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला बरकतें खत्म कर देते हैं, जो माल अल्लाह ने दिया वो खत्म होते जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोजाना जब जब सुबह होती है, रोजाना आसमान से दो फरिश्ते उतरते हैं और उन दो फरिश्तों की दुआ यह होती है, अल्लाहुम्म आति मुनफिकन खलफा, अल्लाहुम्म आति मुमसिकन तलफा, के अल्लाह तेरे रास्ते में जो खर्च करे, तेरे राह में जो अपना पैसा लुटाए, गरीबों पर हो, मिस्कीनों पर हो, मोहताजों पर हो, बेवाओं पर हो, बीमारों पर हो, यतीमों पर हो, जरूरतमंदों पर हो, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, हत्ता के अपने बीवी बच्चों पर भी अगर कोई बंदा खर्च करे तो रोजाना ये दो फरिश्ते दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन खलफा, कि ऐ अल्लाह ताला, अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफा, ऐ अल्लाह इस खर्च करने वाले का बेहतर से बेहतर बदला तो अता फरमा। रोजाना बंदे फरिश्ते दुआ करते हैं। तो बंदा अपने घर से निकले, अल्लाह के नाम पे दो रुपया किसी को दे दे, किसी की मदद कर दे, किसी को खिला दे, किसी को पिला दे, किसी के काम आ जाए, किसी की दवा का जरिया बन जाए, फरिश्तों की दुआएं उसे लगती हैं। जितना उसने खर्च किया अल्लाह ताला उससे कहीं ज्यादा बड़ा करके उसे देता है। इस दुनिया में भी अल्लाह ताला अता करता है और आखिरत में भी अल्लाह ताला ने उसके लिए जखीरा बना रखा है। और दूसरी दुआ जो रोजाना फरिश्ते करते हैं, अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफा, ऐ अल्लाह जो माल रोक रोक के रखता है, रोक रोक के रखता है, जमा कर करके रखता है, अल्लाह उसके माल में तो बर्बादी डाल दे, हलाकत डाल दे, बेबरकती डाल दे। तो जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना अपनी जिंदगी का एक मशगला ना बनाए, रोजाना उनकी आदत अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की ना हो, तो ऐसों की जिंदगियां बेबरकती हो जाती हैं। ऐसों के माल से अल्लाह ताला बरकतें उठा लेते हैं, ऐसों को फरिश्तों की बद्दुआएं लगती हैं जो पैसा रोक रोक करके रखे। मौजूद हाजरीन, मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ अल्फाज से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक बात यह बयान की है कि बंदा अगर इस दुनिया में गरीब को खिलाना हो, तीमारदारी हो, किसी की मुलाकात हो, अगर यह करता रहे तो अल्लाह ताला उसका बेहतरीन बदला देते हैं, और अगर न करे तो कयामत के दिन अल्लाह ताला सवाल करेगा, कहेगा कि मैं परेशान था, मैं बीमार था, मैं भूखा प्यासा था, तूने मुझे नहीं खिलाया, तूने मुझे नहीं पिलाया, तूने मेरी परेशानी दूर नहीं की, तूने मेरी तीमारदारी नहीं की। बंदा कहेगा कि ऐ रब्बुल आलमीन तू कब बीमार होता है, ऐ रब्बुल आलमीन तू कब भूखा प्यासा रहेगा। अल्लाह ताला कहेंगे कि क्या तुझे पता नहीं था कि फुला बंदा बीमार था, फुला बंदा भूखा प्यासा था, क्या तुझे पता नहीं था अगर तू खर्च करता, अगर तू उसे देता, तीमारदारी करता तो मुझे वहां पाता। मौसा साजरीन, जो अपने माल को रोक के रखते हैं वो फरिश्तों की बद्दुआओं का हकदार, फरिश्तों की बद्दुआओं के हकदार बन जाते हैं,
रोजाना फरिश्तों का उतरना, रोजाना दुआएं करना, खर्च करने वाले के हक में बरकत की दुआ करना, खर्च ना करने वाले के हक में बर्बादी की दुआ करना, ये एक बड़ा सबब है जिसमें हमें नसीहत है कि हमारी जिंदगियों की रोजीना जिंदगी में हमारा ये मशगला सदका खैरात का होना चाहिए। थोड़ा सा सही, मुख्तसर सा सही, अल्लाह के रास्ते में देते रहे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहे, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के माल को लुटाते रहे, अल्लाह ताला हमें बरकतें देगा, अल्लाह ताला जिंदगी में बरकतें डालेगा। और हम रोक के रखेंगे तो अल्लाह ताला उस माल को हलाक बर्बाद कर देता है, फरिश्तों की बद्दुआएं उसे लगती हैं। तो हमारी जिंदगियों की बेबरकतियों के असबाब में से एक सबब यह भी है कि हम सदका खैरात के आदि नहीं हैं। सलफ सालेहीन से मुताल्लिक आता है कि सलफ सालेहीन में से कोई एक थे जिनके ताल्लुक से जिक्र आता है कि जब भी जाते घर पे जो भी होता लेकर के निकलते, आसपास कोई फकीर आदमी मिल जाता, कोई गरीब आदमी मिल जाता, या मस्जिद के बाहर कोई मांगने वाला मिल जाता, जाकर के उसे कुछ ना कुछ दे करके आया करते थे। रोजाना कौन का मामूल था, बल्कि रिवायत के मुताबिक हर नमाज में वो ऐसा किया करते थे। अगर कुछ ना होता घर से प्याज उठा ले गए, ले जा करके दे दिए, घर से कोई और चीज उठा ली, उठा करके सदका खैरात कर दिया। ये तरीका इंसान को बनाना चाहिए अपनी जिंदगी को बाबरकत बनाने के लिए, अपनी जिंदगी में बरकतों को लाने के लिए। रोजाना कुछ ना कुछ खर्च करते जाए, कुछ ना कुछ अल्लाह के रास्ते में देते जाए, फरिश्ते की दुआ के हकदार बनेंगे। और रोक के रखेंगे, खर्च ना करेंगे तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते की बद्दुआ का हकदार बना देगा जो कहता है कि अल्लाह ताला जो तेरा माल रोक के रखे उसके माल को बर्बाद कर दे। और मोहतरम, इसी तरीके से बेबरकती के असबाब में से एक सबब कि जिसकी वजह से हमारी जिंदगी आम तौर पर बेबरकत हो चुकी हैं, अल्लाह ने जो हमें मुकद्दर किया, अल्लाह ने जो हमें मुयस्सर किया, उससे हम राजी नहीं होते हैं। जो बीवी हमें अल्लाह ने दी है उस पर खुशी का इजहार करें, जो घर रहने के लिए अल्लाह ने दिया है उस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाएं, जैसी औलाद अल्लाह ने अता की है उस पर अल्लाह के शुक्रगुजार बने, जो सवारी मुयस्सर हो, जो कपड़े पहनने के हों, जो खाने पीने में असर हो जाए, दुनियावी साजो सामान में जो जब जैसे जितना अल्लाह ने मुकद्दर किया हो उससे रजामंदी का इजहार करें, अल्लाह ताला जिंदगी को बाबरकत बना देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े मालदार आप होंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इर्ज़ा बिमा कसम अल्लाह लक तकुन अग़ना नास, अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है, जो तकसीम अल्लाह ने तुम्हारे हक में की है, जो अल्लाह ने तुम्हारे हक में रखा है उससे राजी रहो। तकुन अग़ना नास, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया के सबसे बेनियाज आदमी तुम रहोगे, दुनिया के सबसे मालदार आदमी तुम रहोगे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, लैसल गिना अन कसरतिल अरज, मालदारी ये मालो मता से नहीं होती है, मालदारी साजो सामान से नहीं होती है, मालदारी पैसों से नहीं होती है, वलाकिन अलगिना गिना नफ्स, लेकिन सबसे बड़ी मालदारी आपका नफ्स मालदार हो, खनात पसंद हो, जो मिले जितना मिले जब मिले जिस हालत में मिले आप उससे राजी रहें, आप उससे खुश रहें, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने रहें, वो आपके लिए बरकतों का बायस बनती है, वो आपके लिए बड़े बरकतों का बायस बनती है। मोहतरम हाजरीन, हमारी जिंदगियों की बेबरकतियों के असबाब में से एक बड़ा सबब यह है कि जो अल्लाह ने हमें दिया उस पर नजर रखने के बजाय हमारी नजरें उन पर जाती है जो हमें नहीं मिला है। वला ततमन्नु मा फदलल्लाहु बिहि बादकुम अला बाद, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने किसी को किसी पर कुछ फजीलत दी है तो उसकी तमन्नाओं में ना रहो, बल्कि अल्लाह ने जो दिया उससे राजी रहने की कोशिश करो, जो अल्लाह ने अता किया उसको हासिल करने की कोशिश करो। बनू सुलेम के एक सहाबी हैं, मुसद अहमद की रिवायत है, कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाहा यब्तलिल अब्द फीमा आता, अल्लाह ने जो बंदे को दिया, जैसी आंख आपको मिली है, जैसी समात आपको मिली है, जैसा बदन जैसी सेहत आपको मिली है, जो घर जो बीवी जो बच्चे जो माँ बाप जो भाई बहन जो पड़ोसी आपको मिले हैं, गर्ज दुनियावी जिंदगी में जो आपको मिला है अल्लाह उसके जरिए तुम्हें आजमाता है,
उसके जरिए अल्लाह तुम्हें आजमाता है। इन्नल्लाह यबतलिल अब्द फीमा आता फइन रज़िया बिमा कसम अल्लाह लह बूरिक लहू फीही ववस्सअहु अलैह। कहते हैं कि अगर जो उसे मिला उस पर वो रजामंदी का इजहार करे, खुश रहे, शिकायत ना करे, खामखा की तमन्नाएं ना पाले, बूरी का लहू फी, जो मिला वो उसके लिए बाबरकत बन जाता है, जो मिला वो उसके लिए बाबरकत बन जाता है। ववस्सअहु अलैह, और अल्लाह ताला उसमें मजीद वसअत देता है, मजीद बरकत देता है, मजीद उसमें ज्यादती करता है। ये कब? फइन रज़िया बिमा कसम अल्लाह लह, जब वो उससे राजी हो जाए जो अल्लाह ने उसके हक में तकसीम किया है। वइन लम यरज़ा लम युबारक लहू वलम यज़िद अला मा कुतिब लह, और अगर वो राजी ना हो, अपनी सेहत की हमेशा शिकायत करता रहे, अपनी आंख की बिनाई की शिकायत करे, अपने बदन की कमजोरी की शिकायत करे, अपनी बीमारियों की शिकायत करे, बीवी की शिकायत दूसरों के सामने करता रहे, बच्चों की शिकायत दूसरों के सामने करता रहे, सवारियों की शिकायत करे, खाने पीने की शिकायत करे, लिबास की शिकायत करे, घरों की शिकायत करे, गरज ये कि जो नेमतें अल्लाह ने इस दुनिया में दी हैं, जो उसके हक में मुकद्दर है, जो अल्लाह ने उसे अता किया है, उसकी शिकायतें ही शिकायतें हों। वइन लम यरज़ा, अगर उससे राजी ना हो, उससे खुश ना हो, चिड़चिड़ा रहे, परेशान रहे, लम युबारक लहू, अल्लाह के नबी कहते हैं कि बरकतें उससे उठा ली जाती है, वो चीज कभी बाबरकत नहीं होती उसके हक में। लम युबारक लहू, वो कभी उसके लिए बाबरकत नहीं होता है। और कहते हैं वलम यज़िद अला मा कुतिब लह, और अल्लाह ताला उसे उतना ही देता जितना उसके हक में लिखा होता है, और यह उसकी नाराजगी जितना उसका मुकद्दर है उससे एक पैसा आगे नहीं बढ़ा पाती, एक पैसा वो ज्यादा नहीं ले पाता जितना अल्लाह ने उसके हक में लिखा है। तो मौसा साजरीन, हमारी जिंदगियों की बेबरकती का एक बड़ा सबब यह है, जैसा मैंने कहा कि हम इस आजमाइश में नाकाम नजर आते हैं, इस आजमाइश में हम नाकाम नजर आते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आसान इलाज बताया कि उन्दुरो इला मन हुआ असफल मिनकुम, कि हमेशा नजर दुनियावी मामलात में रखना हो तो उसको देखो जो तुमसे कम है, सेहत में कम है, मालूमता में कम है, बीवी बच्चों के एतबार से कम है, सकन रहने के एतबार से कम है, सवारियां जिसके पास कम है, पहनने जिसके पास कम है, खाने पीने में जो मामूली इस्तेमाल करता है, हमेशा उसको देखा करो, उसको देखो जो तिजारत में तुमसे कम हो, जिसकी दुकान तुमसे छोटी हो, जिसकी तिजारत तुमसे छोटी हो, जिसके कपड़े तुमसे मैले कुचैले रहते हों, जिसका घर तुमसे तंग हो, हमेशा उसको देखा करो। और अल्लाह के नबी ने कहा कि अपने से ऊपर वालों पर नजर मत डालो। क्यों? खैला तस्दरु नेमत अल्लाह अलैकुम, कि अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है नतीजे में तुम ऊपर देखोगे तो नतीजे में उसको कम तस्वूर करोगे, शुक्रगुजारी तुम्हारे दिल में नहीं आएगी, शुक्रगुजार नहीं बनोगे, हमेशा परेशान हाल रहोगे, हमेशा मुसीबतों में अपने आप को घेरे हुए नजर आओगे। तो मौसा साजरीन, नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस इलाज को अपनाएं, हमेशा अपने से निचले को देखें, शुक्रगुजारी जिसमें शुक्रगुजारी जबान पे आएगी, शुक्रगुजार बंदा बनेगा, और अपने से ऊपर देखे तो हमेशा परेशान हाल रहेगा। और अगर हम अपनी जिंदगियों के मसाइल पर नजर डालें, आजकल की जो मुशाकिल है, मुसीबतें हैं, आजमाइशें हैं, जो लोगों की शिकायतें हैं उस पर नजर डालें, तो शिकायतों का एक बहुत बड़ा परसेंटेज, शिकायतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा उससे ताल्लुक रखता है जो अल्लाह ने हमें नसीब किया है, जो अल्लाह ने मुकद्दर किया है। परेशान बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है, क्यों? तिजारत में नुकसान हो गया, तबीयत में उचाटपन आ जाए, क्यों? फुला नुकसान हो गया, फुला बीमारी आ गई, फुला घाटे से दो चार होना पड़ा। मौसा हाजरीन, हमें तकदीर पर ईमान नहीं है? हमने अल्लाह की तकदीर पर ईमान कबूल नहीं किया? अल ईमान बिल कदर खैर ही व शर, हर अच्छी तकदीर पर, हर बुरी तकदीर पर ईमान लाना यह ईमान का एक अजीम हिस्सा है, जिसके बगैर ईमान नामुकम्मल है। तो मौसा हाजरीन, अपनी जिंदगी में हम बरकतें अगर चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बाबरकत बने, जो अल्लाह ने जितना जिस हाल में दिया हो उस पर शुक्रगुजार बने,
सुकून की जिंदगी मिलेगी, बरकत भरी जिंदगी मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म की नाफरमानियों की, बेबरकतियों की नहुसतों से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे बरकत भरी जिंदगी देकर के अल्लाह ताला जिंदा रखे, और जब मौत दे तो अल्लाह ताला हमारा खातिमा बिल खैर फरमाए। आमीन। बारक अल्लाह ली व लकुम व फिल कुरान अल मजीद व नफअनी व इय्याकुम मा फी मिन अल आयति व ذिक्र अल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन बर्रुन रऊफुन रहीम ورب حليم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد मौसस हाजरीन, हमारी जिंदगियों की जो बेबरकतियां हैं उनमें से एक बड़ा सबब बेबरकती का ये भी है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे फरमाया कि बूरी कली उम्मती फी बुकूरिहा, कि सुबह के औकात बड़े बाबरकत होते हैं, सुबह के औकात बड़े बाबरकत होते हैं। तिजारत करनी हो, पढ़ाई करनी हो, सफ़र करना हो, कोई काम करना हो, सुबह के औकात को अपनाएं, बड़े बाबरकत लम्हात हैं, बड़ी बाबरकत घड़ियां हैं। बंदा इसको इस्तेमाल करे जिंदगी में बड़ी बरकतें उसकी आएंगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ इस बरकत की अजीम घड़ी से आज बिलउमूम उम्मत इस्लामिया महरूम नजर आती है। बल्कि अफसोस तो इस बात पर है कि सुबह के औकात का इस्तेग़लाल इस्तेमाल मुसलमानों के मुकाबले गैर मुसलमान करते हुए नजर आते हैं। उनकी गलियों घरों को चले जाएं, सुबह सुबह उनके घरों में रोशनी भी हो जाती है, घरों के सामने कुछ नक्शो निगार करना, घर साफ करना, यह आपको नजर आ जाएगा। गरज यह कि उनका नशात, उनकी चुस्तियां सुबह सुबह हो जाती हैं। बिल्कुल इसके मुकाबले जिस इस्लाम ने हमें चुस्ती सिखाई, सुबह की बरकतों के ताल्लुक से हमें हिदायत दी, तौजीह की, उम्मत मुस्लिमा उससे आम तौर पर गाफिल नजर आती है, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दिखती। सुबह के औकात आम तौर पर घरों में सन्नाटा होता है, सुबह के औकात आम तौर पर घरों में सन्नाटा होता है, बिल्कुल खामोशी छाई हुई होती है। क्या है, सब सो रहे हैं, घर पूरा सोया हुआ है। बल्कि मजीद अफसोस यह है कि फजर छोड़ के सोते हैं, फजर छोड़ के सोते हैं। फजर की नमाज अगर कोई घर में एक दो इक्का दुक्का उठकर पढ़ लें, या कोई बुजुर्ग हो मस्जिद को जाके आ जाए तो आ जाए, वरना पूरा अगर नौजवानों का घर है, नौजवान घर पे बसते हैं, तो बड़े अफसोस के साथ मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी है, घरों की अक्सरियत ऐसी है जो सुबह की नमाज छोड़ करके सोए रहते हैं, तो बरकतें कहां से आएंगी। जो सुबह की नमाज बाजमात पढ़ ले, अल्लाह की जमान में होता है, अल्लाह की हिफाजत में होता है, अल्लाह की पनाह में होता है। और जो आदमी सुबह की नमाज जमात से ना पढ़े, सुबह की नमाज की पाबंदी ना करे, सुबह की नमाज उसके वक्त पे अदा ना करे, अल्लाह की हिफाजत से, अल्लाह की पनाह से निकल जाता है, अल्लाह की जमान से निकल जाता है। और अल्लाह के नबी ने कहा असबह खबीसन नफ्सी कसलान, खबीस होकर के सुबह होती है उसकी, सुस्ती के साथ पूरा दिन गुजरता है, खबासत के साथ पूरा दिन गुजरता है, तो बरकतें कहां से आएंगी, बरकतें कहां से आएंगी। बेबरकती के असबाब में एक बड़ा सबब यह है कि हमारी सुबह बिल्कुल अगर फज्र पढ़ भी लें उसके बाद सो करके गुजारते हैं वक्त, तो ये वक्त बरकतों के खोने का वक्त है। बरकतों के पाने का तरीका ये है कि बंदा सुबह सुबह मशगूल हो जाए। बूरी कली उम्मती फी बुकूरिहा, बूरी कली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया सुबह के औकात में मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ने बड़ी खास बरकतें रखी है, और बड़े अफसोस के साथ उम्मत मुस्लिमा इन बरकतों से बड़ी महरूम नजर आती है। तो मौसस हाजरीन, अपनी जिंदगियों की बेबरकतों की शिकायतें ना करें, क्योंकि हमने असबाब बनाए हैं, हमने नहुसतों को घरों में दावत दी है, हमने जिंदगियों में नहुसतें पाल ली हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया लेकिन बरकतें हमें नजर नहीं आती।
साठ साठ सत्तर अस्सी साल जिंदगी गुजार लेते हैं लेकिन अमल में कोई बरकत नजर नहीं आती, इबादतों में कोई बरकत नजर नहीं आती, अखलाक में जबान में कोई बरकत नजर नहीं आती। वजह यह है कि हमने अपनी जिंदगियों के जो बरकत के असबाब हैं वो हमने अपने हाथों से खो दिए हैं, हमने अपने हाथों से गंवा लिए हैं। मौजूद हाजरीन, इन बेबरकतियों के असबाब से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। सुबह के औकात बड़े बाबरकत होते हैं। जो बंदा सुबह उठ करके काम कर ले, दिन बड़ा बाबरकत हो जाता है, दिन लंबा हो जाता है, बड़े काम उसके मुकम्मल होते हैं। जो लोग सुबह उठ करके 10-11 बजे काम अपना शुरू करें, 10-11 से पहले अपने काम से आप फारिग हो चुके होते हैं। बाकी आपका जो दिन है वो आपके लिए मजीद है, आपके लिए एक बोनस की तरह काम आता है। तो मौजूद हाजरीन, बेबरकतियों से अपने आप को बचाने के लिए शरीयत की पाबंदी करें। शिकायतों से कुछ नहीं होगा, परेशानियों से कुछ नहीं होगा। हमने अपनी मुसीबतें अपने आप पर लाई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेबरकतियों से महफूज रखे, हमारी जिंदगियों को अल्लाह ताला बाबरकत फरमाए और अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में बरकतें डाल दे। जो खैर अल्लाह ने हमें दिया, जो अल्लाह ने हमें मुकद्दर किया, जो अल्लाह ने हमारा नसीब किया, हमें उससे खुश रहने, अल्लाह के शुक्रगुजार बनने और अल्लाह ताला के फरमाबरदार बनने की तौफीक नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला जब मौत दे तो हमारा खातिमा बिलखैर फरमाए और सुए खातिमा से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में हमें जगह नसीब फरमाए। आमीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्तअना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिह वाफ़ु अन्ना वाग़फिर लना वारहमना أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.